गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम ग्रामर में नया टॉपिक सीखेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एम आर प्लस आई एन जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज आई एम राइटिंग अ लेटर। आ रहा है। ई, शी,
इनके साथ सभी के साथ प्लस आईएनजी आपको लगाना है और फिर एक नया वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यूज इज एम और आर प्लस आईएनजी। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विच आर डू, प्ले, चॉप, रीड एंड बाथ। तो ये सभी एक्शन वर्ड्स है, तो हमें वर्ड के पीछे आईएनजी लगाना है और इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा वो यूज करना है। तो यहाँ पे दोनों काम आपको करना है कि इज एम आर को भी यूज करना है प्लस कोई भी ये एक्शन वर्ड है उसके पीछे आईएनजी लगा के नया वर्ड बनाना है। राइट, सो ये एक्सरसाइज करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यूज इज एम आर प्लस आई एन जी। ओके, सो यहाँ पे है डू, प्ले, चॉप, रीड एंड बार्क। ओके, सो फर्स्ट वन इज मिस्टर बोस ब्लैंक अ न्यूज़ पेपर। तो मिस्टर बोस क्या कर रहे हैं न्यूज़ पेपर के साथ, तो डू यानी कि करना, प्ले यानी कि खेलना, चॉप यानी कि काटना, रीड यानी कि पढ़ना और बार्क यानी कि भौंकना। तो क्या आएगा, राइट विल बी रीड। ओके, तो रीड प्लस आईएनजी करेंगे तो रीडिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इज एम आर पर भी लगाना है। तो मिस्टर बोस तो एक ही आदमी है सिंगुलर, तो क्या आएगा इज, और रीड है तो रीडिंग। ओके, सो मिस्टर बोस इज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। राइट, नंबर टू, शालू ब्लैंक हर होमवर्क। तो शालू लड़की है, ओके, वो अपना होमवर्क कर रही है। तो शालू है तो पहले तो इज आएगा सिंगुलर, और आगे यहाँ देखते हैं कि क्या आएगा, डू, प्ले, चॉप या बार्क, क्योंकि रीड तो आ गया ऑलरेडी, रीड आ गया तो यहाँ टिक कर देते हैं। ओके, तो होमवर्क कर रही है, होमवर्क खेल रही है, होमवर्क काट रही है या होमवर्क भोंक रही है, तो डू, प्ले, चॉप या बार्क क्या आएगा, डू। राइट, सो इज डू प्लस आई एन जी, डूइंग। राइट, नंबर थ्री, द डॉग ब्लैंक एट मोहन। तो डॉग मोहन के सामने क्या कर रहा है, तो प्ले, चॉप या बार्क, तो क्या आएगा, बार्क आएगा। तो द डॉग सिंगुलर है तो इज आएगा एंड बार्क प्लस आई एन जी, बार्किंग एट मोहन। तनुज एंड हरीश ब्लैंक चेस। तनुज एंड हरीश एक से ज्यादा लोग है, प्लूरल, तो पहले तो यहाँ आर आएगा। ओके, एंड यहाँ पे है प्ले एंड चॉप, तो क्या आएगा, प्ले, तो प्ले प्लस आई एन जी विच इज प्लेइंग। नंबर फाइव, अमन ब्लैंक वेजिटेबल। अमन तो सिंगुलर है तो पहले यहाँ इज आएगा एंड जो बचा वो चॉप, तो इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। राइट, क्वेश्चन नंबर बी, यूज द वर्ड्स एम लर्निंग, इज लर्निंग और आर लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इज एम और आर के साथ लर्निंग है। ओके, तो हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। रवि एंड आई ब्लैंक इंग्लिश। तो यहाँ पे रवि और मैं, ओके, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोग है, मोर देन वन पर्सन विच इज प्लूरल, तो आर आएगा, आर लर्निंग। राइट, नंबर टू, सबिता ब्लैंक इंग्लिश। सबिता तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, ओके। नंबर थ्री, वी ब्लैंक इंग्लिश। वी के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल है तो आर, वी आर लर्निंग इंग्लिश। नंबर फोर, दे ब्लैंक इंग्लिश। दे प्लूरल है तो उसके साथ भी क्या आएगा, हमेशा आर, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। पिंकी एंड स्वीटी ब्लैंक इंग्लिश। पिंकी और स्वीटी एक से ज्यादा लोग है तो आर लर्निंग इंग्लिश। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ डूइंग वर्ड्स गिवन बिलो, यूज इज एम आर प्लस आई एन जी। तो यहाँ पे
बॉक्स है. ओके, तो बॉक्स में क्या क्या है? आस्क, कैरी, टॉक, वेट, ड्रिंक एंड रीड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. वी आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म. हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे है. माई फादर, मदर एंड आई ब्लैंक फॉर द ट्रेन. तो फादर, मदर और मैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हुए तो पहले तो क्या आएगा, यहाँ आर आएगा. और क्या कर रहे हैं ट्रेन की? तो आस्क कर रहे हैं, कैरी, टॉक, वेट, ड्रिंक या रीड. तो क्या आएगा? वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर द ट्रेन. एंड ओल्ड मैन ब्लैंक टी. ओके, तो एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी, वो टी क्या कर रहा है? तो आस्क कर रहा है, कैरी, टॉक, ड्रिंक या रीड. तो क्या आएगा? ड्रिंक. ओल्ड मैन एक ही है, तो इज ड्रिंक प्लस आईएनजी, विच इज ड्रिंकिंग अ टी. माई नेबर मिस्टर कोहली ब्लैंक अ न्यूज़पेपर. ओके, मिस्टर कोहली है उनके पड़ोसी, नेबर यानी कि पड़ोसी. तो आस्क आएगा, कैरी, टॉक या रीड. तो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे तो रीड आएगा. मिस्टर कोहली इज रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग अ न्यूज़पेपर. अ बॉय ब्लैंक अबाउट द अराइवल ऑफ द ट्रेन. अ बॉय, तो आस्क, कैरी के टॉक क्या आएगा? तो आस्क आएगा. अ बॉय एक ही लड़का है तो सिंगुलर. एंड आस्क प्लस आईएनजी यानी कि आस्किंग अबाउट द अराइवल ऑफ ट्रेन. गर्ल्स ब्लैंक टू ईच अदर. गर्ल्स है वो कैरी आएगा या टॉक आएगा? टॉक आएगा, राइट. तो गर्ल्स, एक से ज़्यादा लड़कियाँ हुई तो प्लूरल यानी कि आर. एंड टॉक, तो टॉक प्लस आईएनजी यानी कि टॉकिंग टू ईच अदर. द पोर्टर्स ब्लैंक द लगेज ऑन देयर शोल्डर एंड हेड्स. ओके, पोर्टर्स यानी कि कूली. ओके, तो वो क्या कर रहे हैं? लगेज उनके शोल्डर पे और माथे पे कैरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कैरी. ओके, सो पोर्टर्स यानी कि प्लूरल एंड कैरी. ओके, सो दिस इज इट. यहाँ पे हमारा ये टॉपिक इज एम आर प्लस आईएनजी फिनिश होता है. आई होप कि आपको ये टॉपिक में सब समझ में आ गया होगा. थैंक यू.